जब पेट की मांसपेशी में किसी कारणवश कोई दरार आ जाए और उस मांसपेशी के अंदर मौजूद अंग बाहर आ जाता है तो उसे हर्निया कहते हैं। उंगली से दबाने पर यह अंग दोबारा अंदर चला जाता है और उस दौरान रोगी के दर्द बहुत होता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपका कोई अंग अंदर और बाहर जा रहा है तो डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। अगर नाभि के आसपास कोई सर्जरी हुई है तो उसे दबाने पर दर्द होगा। बढ़ते दिन के साथ ये कम होता जाता है, लेकिन अगर आपको दर्द में कोई कमी नहीं नजर आ रही तो ये एक इन्फेक्शन का संकेत है। ऐसे में अपने सर्जन या डॉक्टर से बात जरूर करें। खाना को पचाने के लिए पेट एसिड का उत्पादन करता है, लेकिन जब इसका उत्पादन ज्यादा हो जाए तो पेट के अंदर घाव बन जाता है और ऐसे में नाभि छूने पर दर्द का एहसास होता है। वहीं कई बार यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शरीर के अन्य अंगों में भी फैल जाता है। ये पेट तक भी पहुंच सकता है और दर्द का कारण बनता है। अगर आपको भी नाभि छूने पर दर्द का एहसास हो तो समझे यूटीआई का एक लक्षण आपके पेट तक पहुंच चुका है। जब पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल और अन्य वेस्ट इकट्ठा होने लगे तब वहाँ पर स्टोन का निर्माण होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना पित्ताशय की पथरी का संकेत है। पित्ताशय की पथरी को ठीक करने के लिए सर्जरी के जरिए पित्ताशय को अलग कर दिया जाता है। वहीं अगर आप एपेंडिसाइटिस से पीड़ित हैं और आपके अपेंडिक्स में सूजन आ गया है तो आपके नाभि में दर्द महसूस हो सकता है। एपेंडिसाइटिस के लक्षणों में मतली, उल्टी, बुखार, सूजन और कब्ज या दस्त शामिल हैं। अपेंडिक्स के फूल जाने पर इसका 24 घंटे में उपचार करवाना बहुत जरूरी है, वरना ये फट सकता है और संक्रमण शरीर के अन्य अंगों पर भी फैल सकता है। वहीं मानव शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरिया और कुछ गंदे बैक्टीरिया हैं। पेट में घुसने पर खराब बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं और नाभि में गंभीर दर्द हो सकता है। ये तब होता है जब आप दूषित भोजन का सेवन करें या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहें। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे पेट और छोटी आंत में घाव बनाने लगते हैं, जिससे पेट के कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये संक्रमण आसपास के अंगों में भी फैल सकता है। ऐसा होने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वहीं पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए चीनी की भरपूर मात्रा है। नाभि में दर्द होना पेनक्रियाइटिस का ही एक लक्षण है। वहीं जब खाना ना पचे और पेट में दर्द होने लगे और कब्ज हो जाए तब भी नाभि में दर्द होना इसका एक लक्षण ही है। छोटी आंत के विकार जैसे क्रोहन रोग या इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम नाभि में गंभीर दर्द का कारण बनते हैं। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो आपकी दैनिक गतिविधि में भी बाधा डाल सकते हैं। सही इलाज के लिए किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।